अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की कहानी है जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर में औरत की बेहतरीन सिफत। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, मैं वहाँ मौजूद था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ रुक करके फरमाया, मुझे बताओ कि औरतों के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेहतर है। हम में से कोई भी इस सवाल का सही जवाब ना दे पाया। इसके बाद लोग इधर उधर हो गए। मैं घर गया और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मस्जिद का पूरा वाकया बताया और इसके साथ ये भी बता दिया कि हम में से कोई भी इस सवाल का जवाब ना दे सका। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है। औरतों के लिए सबसे बेहतर शय ये है कि ना वो मर्दों को देखें और ना ही इन्हें मर्द देखें। बाज़ रिवायतों में इस तरह आया है, ना वो किसी मर्द को देखे और ना कोई मर्द इसे देखे। मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और मैंने कहा कि आपने मस्जिद में जो सवाल किया था इसका जवाब ये है, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना ही इसको कोई नामहरम मर्द देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे पास ही थे मगर इस वक्त तो तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लिहाजा आप ये बताओ कि तुम्हें इस सवाल का जवाब किसने बताया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा ने यह जवाब दिया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जवाब से बहुत खुश हुए और आपने फरमाया, बिलाशुबा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।